लवली मॉर्निंग, बादल बादल से आए हैं। तो किधर जा रहे? अफगानिस्तान। शादी पे? जाजी की शादी। जाजी, जाजी मींस मेरी जान। वी आर कमिंग, बस हमें 12 घंटे लगेंगे, 12 नहीं तो 13 घंटे में हमने पहुंच जाना है जाजी आपके पास, हुंजा करीमाबाद। यार सुबह के 5 बज रहे और 3 मौसम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। हुंजा जाने की क्या जरूरत है यार, इस्लामाबाद ही हुंजा बना हुआ। और अनफॉर्चुनेटली आज मेरा को कैमरामैन साथ नहीं है, तो जितनी भी व्लॉगिंग करनी आज मैंने खुद माई सेल्फ करनी है। यार जल्दी कर, लेट हो गए। लेट्स गो। चलें जी, लेट्स क्लोज द डोर्स। और ये हमारे हैं आज के पायलट मिस्टर साकिब जफर। नहीं सर, चाय पराठा मिलेगा? क्लोज्ड। शदीद भूख लगी और मोटरवे टूल प्लाजा एग्जिट करने के फौरन बाद आता है बिस्मिल्लाह पाकिस्तान शिनवारी पे। अभी हम लोग करने लगे नाश्ता। अंडे शंडे बन रहे हैं, पराठे तैयार हो गए हैं यहाँ पे। वेरी गुड। ले आओ सामान, ले आओ सारा। यार इनके काम देखे, इन्होंने फोटोन बुक कराया और फैसलाबाद से ये लोग आ रहे हैं, बालाकोट में आके अनलोड करेंगे बाइक। वाह ब्रो, वाह वाह वाह, ये बॉयज ने तो सही माहौल बनाया हुआ इधर। उफ, लग्जरी बाइक्स यार। ये देखें जी हमारा इंतजार करते हुए आखिर में। तो जी फाइनली 6 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुंचा है नारायण बाजार। ये के मौसम बहुत सुहाना है, बादल आए हुए, हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा है, बहुत ठंड नहीं है लेकिन रात को ठंड होगी यहाँ पे। लंच टाइम है, जुमे का टाइम भी हो चुका है और अभी हम लोग खाने लगे शिनक्यारी के चपली कबाब। कुछ और अच्छा, कुछ कढ़ाई चढ़ाई खाना चाहते हैं तो पंजाब टिक्का हाउस और यहाँ पे मून रेस्टोरेंट भी है। फिलहाल आ गए शिनक्यारी के चपली कबाब खाने। ये है जी उस्ताद जी। कब से लगा रहे चपली कबाब? 30 साल हो गए। जबरदस्त सारा टेस्ट है ना, वो बेसिकली इन टमाटरों का है। जब ये आप मिर्चों के साथ रोटी के ऊपर रख के खाते हैं तो ओए होए हो, टेस्टी। हेलो, पीछे में लूसर लेके और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी हुआ और चमक रहा पानी। धूप अभी ऊपर इसका जो है ना, धूप का अक्स पड़ा है और नीचे पानी लश ग्रीन हुआ है, देखने वाली हुई एक दफा। फाइनली वी आर एट बाबूसर टॉप। बहुत ही बुरा हाल है, गंद मचाया हुआ लोगों ने, बट अ कप ऑफ टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। वी आर एट नाउ 13,500 feet अबव सी लेवल। बाउसर टॉप पे आपको पकोड़े भी मिलेंगे, अंडे भी मिलेंगे, समोसे भी मिलेंगे और ये वाले चिप्स भी मिलेंगे। और ये हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज द मॉस्क और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जगह है। बड़ा मस्त माहौल बना हुआ है इधर, ठंडा ठंडा पानी है, बॉयज नहा रहे हैं, सारे लोकल गांव के लोग नमाज पढ़ी और उसके बाहर ये तालाब है। ओए होए होए, दिल तो मेरा भी बड़ा करा नहाने का। ये 15 घंटे की इस्लामाबाद से लेके हुंजा करीमाबाद तक की ड्राइव करने के बाद अभी हम लोग पहुंच आए हैं इकबाल भाई जबू फूड कॉर्नर। इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई, क्या हाल है सर जी? याद क्या सर? मन तो खत्म हो गया सर, है नीचे भी, नीचे भी है, नीचे दिखाए ना जरा। ओहो, कितने मंतू खाने आपने भाई। And we also have chaap shuru in the dinner. ये ओए ओए ओए, chaap shuru। ये जी आ गए हमारे ग्रूमर। माशाल्लाह माशाल्लाह। So now we are checking into Marco Polo in Gulmit. Wow. Looks very nice, beautiful. सुबह इंशाल्लाह मैं आपको इस पूरे होटल का विजिट कराऊंगा। प्लान कुछ ऐसे है कि आज हमारे दोस्त की म्यूजिकल नाइट और माहौल बहुत जबरदस्त, अंदर गर्मा गर्म लगा हुआ है
अभी मैं आपको उनका ट्रेडिशनल म्यूजिक भी सुनाता हूँ और ट्रेडिशनल डांस जो हुंजा में स्पेशल ये लोग करते हैं। ये जो तीन चार दिन है हमारे हुंजा में और गुलमित के अंदर स्पेशली बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। तो हम लोग अभी अभी इस्लामाबाद से गुलमित पहुंचे और यहाँ पे बॉयजेस का वार्म अप सेशन शुरू हो गया। यार क्या मजा आ रहे हैं देख के, बहुत ही यूनिक डांस है और बहुत ही डिफरेंट किस्म के स्टेप्स हैं, सारी थकन उतर गई है। थोड़ा सा हमजा के डांस के बारे में बताता चलूं, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल डांस है जो कि रॉयल फैमिलीज में किया जाता है और स्पेशली जो म्यूजिक है ये भी सदियों से चला आ रहा है। बेसिकली ये एक डांस नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट शो करते हैं इनकी जो फैमिली बैठी हुई आमने सामने, उन सबके सामने डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं और रिस्पेक्ट के तौर पर उनके सामने डांस किया जाता है।